वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक। तो ये मेरा मिड एंट्री पॉइंट है व्लॉग में, पार्ट टू ऑफ ऊटी एंड कन्नूर। ऊटी एंड कन्नूर। तो अभी हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है ना वो एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, और यहाँ पे ना अभी टी फैक्ट्री भी घूमेंगे। थोड़े से गाड़ियों का पार्किंग है, बट वहाँ पे हम लोग पॉइंट में तो जाके आए और मस्त है ना, कच्चा आम खा लिए तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी निकलेंगे सीधा टुवर्ड्स, कहाँ जाएंगे, लैम्ब्रॉक। लैम्ब्रॉक देखते हुए फिर चलते हैं। मैंने देखो क्या पहना है। हाँ, ठंडा लग गया तुमको? मुझे एक्चुअली मैंने ऐसी छछराहट हो रही थी तो मैंने कोटी पहन लिया। बेटर है। एग्जिट थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ से, बहुत कम जगह पे गाड़ी घुमाना पड़ता है, बट ठीक है। पर देखो क्लाउड देखो यार, बहुत मस्त जगह है। पॉइंट वॉइंट तो छोड़ो, बट जो क्लाइमेट का एंजॉयमेंट है ना उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। चलो अभी सीधा लैम्ब्रॉक थोड़ा सा देखते हुए ना, एक थोड़ा सा टी गार्डन कहीं जाते हैं। यहाँ से करीब 3 मिनट का ड्राइव है, तो ज्यादा डाइवर्शन तो है नहीं। रिटर्न में है ना, हमने ये डाइवर्शन ले लिया, जाके देखते हैं कैसा है। गूगल लोकेशन से थोड़ा सा शायद हम लोग 50-100 मीटर आगे आ रहे हैं। पार्किंग नहीं है ऐसा देख के लग रहा है, तो ठीक है यहाँ पे लगा सकते हैं। 30-30-60 का एंट्री करके हम लोग अंदर जा रहे हैं। सर आपका नाम? महेंद्र। तो महेंद्र जी इज टुडेस गाइड फॉर अस। कितना चलना पड़ेगा? 5 मिनट बाकी सर। ओके। 4 पॉइंट्स है यहाँ पे, 4 जगह। क्या क्या है? लैम्ब्रॉक और शूटिंग प्लेस, सुसाइड पॉइंट है। कुछ मूवी का हुआ है यहाँ पे शूटिंग? नो एंट्री मूवी देखा। हाँ हाँ, वो वाला तमिल में, इधर माइकल माना कामराजन, वो वेलकम में, वो तमिल में इधर पीछे। ओके ओके, नाइस। जो ऐसे गिर के ऐसा बैठा रहता है उसमें, कौन उसी ने एक है नो एंट्री। अच्छा, नो एंट्री में जो सलमान लटक के रहता है। हाँ। वो इधर था? इधर। ओके ओके। ये सामने बस का रास्ता दिखता है ना लास्ट में? हाँ। वो मेट्रो पलायन कोयम्बटूर सब जाने के लिए मेन बस का रास्ता है। ओके, हम लोग भी वहीं से आए आज। तो दून में जो स्ट्रेट लाइन है ना, दैट्स द ट्रॉय ट्रेन, और ये लैम्ब्रॉक पॉइंट है। यहाँ से एक्चुअली क्लाई तो क्लियर नहीं है, अदरवाइज 3 स्टेट दिखते थे, मैसूर, पलक्कड़ और ये कोयम्बटूर मेट्रो पलायन। ये शॉर्टकट है क्या? ओके। रास का भी इसी में हुआ क्या शूटिंग? ओके। बट ये वाला भी यहाँ पे भी किसी को बोल दोगे ना यही रास शूटिंग हुआ है, लोग सोचेंगे यही हुआ है एक्चुअली। दो बोतल पानी का ले रहे हैं, ये काज वाला 60 का है, कहीं और दुकान में भी बोतल रिटर्न करेंगे 30 रिटर्न मिलेगा। तो लैम्ब्रॉक से हम लोग है ना अभी निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक टी फैक्ट्री की तरफ, यहाँ पे हम लोग टी का प्लांटेशन देखेंगे। अभी ये हुआ कि स्वयं को पूरा अंधेरा दिख रहा है ऐसे, और मेरे को अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि स्वयं को रियलाइज नहीं हुआ कि उसने नॉर्मल चश्मा पहना हुआ है, और मेरे को बोलता है कि मुझे स्पेक्स दो। मुझे लगा मैं गॉगल्स पहना हूँ इसलिए काला दिख रहा है, दुनिया ही काला है। ये मैं शूट नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, तो ये है हमारा एंटर, ये लैम्ब्रॉक जब एंटर कर रहे थे तो इतना अंधेरा था ना। ये डॉल्फिन पॉइंट, लैम्ब्रॉक दोनों के लिए आपको इससे जाना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर है, आप लोग अगर घूमने आ रहे हो तो ये जगह तो प्लीज आओ घूमने के लिए, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा ये जगह। हाँ यार, या ऊटी से है ना आप 2 नाइट में, मतलब 21 आवर्स में आप मुंबई पहुंच सकते हो, तो ऊटी तो एक बार आना बनता ही है। क्या मस्त घर है ना सब। हाँ यार, एक दो होम स्टे भी दिखा। भैया आ जाओ, आप नहीं आओगे तो हम नहीं जा पाएंगे। एक्चुअली ये 2 मिनट फास्टर रोड है, रोड तो नैरो है तो आपको अच्छे से चलाना पड़ेगा घाट्स में। ए, पूरा डाउन है स्वयं इधर। क्या हुआ? इधर पूरा डाउन है, कैसे जाओगे तुम? वहीं से जाना पड़ेगा, देखो ना कितना स्टीप है। तो मैंने उनको जगह बना, वो भी थोड़ा पीछे लिए, थैंक यू। मैं वहां से निकल जाता वैसे गाड़ी, तो बहुत नैरो रोड्स है, आपको ध्यान से चलाना पड़ेगा यहाँ पे। और ये देखो कितने मस्त मस्त छोटे छोटे कॉटेजेस, प्यारे लग रहे हैं। हाँ, मेलरोज। बहुत सही किया ये रोड ले लिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट मजा आ रहा है।
लोनावला के भी पहाड़ है, यहाँ के भी पहाड़ है। ये करीब 6000 फीट में है। यहाँ पे एक्चुअली रिया सैम्स पार्क भी है, मेरे हिसाब से भी 41 हो रहा है। टी गार्डन देखे निकलते हैं, सैम्स पार्क स्किप मारते हैं। बहुत सही है ना, जितना शूट करे उतना कम है। कोटागिरी इज 18 किलोमीटर। आईबेक्स स्टेज, ये बहुत टाइम के बाद मिला मुझे। अरे आईबेक्स, तो यहाँ से ना 500 मीटर में है, सो वी विल रीच। वाओ, देखो ऐसा एक बंगलो बना के दो रिया, तुम क्या कर रही हो? बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला एरिया भी। तो हम लोग है ना, ये हाईलैंड हाईफील्ड टी फैक्ट्री पे जा रहे हैं। ये हाईलैंड टी फैक्ट्री करके कुछ लिखा था वहाँ पे, वॉच टावर भी है। और काफी भीड़ भी लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ रोडिंग है, सुनने में जैसे सुला में वाइन मेकिंग दिखता है ना, यहाँ पे टी मेकिंग दिखता है। तो ये चेरी बेरी का पार्किंग है, यहाँ पे बोल रहे टेक ए यू टर्न फॉर टी फैक्ट्री पार्किंग। तो चलो चलते हैं, रास्ता है ना। पता चला यहाँ पे स्टेयर से उसी में गाड़ी उतार रहा हूँ। और चॉकलेट फैक्ट्री भी है यहाँ पे, कुछ शॉपिंग करना है ना कर सकते हैं अपन। तो कहाँ जा रहे हैं हम? नीचे जा रहे हैं। पूरा फर्स्ट गियर में गिरा रहा हूँ गाड़ी नीचे, ऐसा लग रहा है। हाईलैंड टी फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। ये बर्ड्स का आवाज देखो, यहाँ पे रिया का चल रहा है जूता चेंज, फिर मेरा जूता चेंज होगा। तो हम लोग है ना ये डेकाथलॉन वाले पहन रहे हैं, सो दैट जूते खराब नहीं हो, क्योंकि हम दोनों के वाइट शूज है और वाइट शूज बहुत गंदे होते हैं। सही में ये देखो, ये पहन के तो नहीं जाऊंगा। तो आ चुके हैं हाईलैंड टी फैक्ट्री के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाईफील्ड हाईलैंड बोल रहा हूँ मैं सिर्फ। टूर स्टार्ट होने वाला है। So Gokul, you are employee of the Highfield? Ah, yes sir. Okay. कितना खुश है? और अच्छा लग रहा है, बीच से सीधा पहाड़ में पहुंच गया अपन। Right. Sorting leaves here? They are drying the leaves here. Okay. But these are not in good quality, but this will give... No. They are drying. Purpose. Okay. This one you have to segregate somewhere? So this is the drying part of the leaf? Ah, yes ma'am. That one is a little more dried a lot. So okay. I'll tell you. वहाँ पे पहले लीफ का रोलिंग होता है इस तरह से, तो ये लीफ रोलिंग के बाद वो इस मशीन में आके ग्राइंड करता है, एंड इस मशीन में ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे सेग्रीगेट करता है, इम्प्योरिटीज अंदर रह जाता है, चाय पत्ती नीचे आती है। बहुत सही है, तो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है ना ये, एक्चुअली दिस इज गुड। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हाइट टी। This is the leaf tea, orthodox. This is orthodox dust. Orthodox dust, okay. Chocolate factory. Yes. And we got some testers. Chocolate tea? Chocolate के साथ तुमको कुछ भी, ice cream भी खिला दे, चाय भी पिला दे, तो tea tasting हो रहा है अपना। Shopping भी करते हैं, हमने क्या-क्या किया? बहुत ले लिया ना हमने? अभी भी बाकी है, देखो। Filter coffee. स्ट्रॉन्ग पाउडर वाला कॉफ़ी, चाय, मसाला चाय, मिक्स चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, कॉफ़ी बीन्स। कितना हो गया बिल? 1530 हो गया ना अभी। तो मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छा लगा जो इनका इक्यूलिप्टस ऑयल है। चॉकलेट तो ये जाते जाते खा जाएंगे, वो एक अगर घर पहुँचते हैं तो पहुँचेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बैग। कुछ तो फ्री लेना है, राइट? हाईफील्ड टी फैक्ट्री से निकल चुके हैं और बहुत शॉपिंग किया, बट उसके पहले ना उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड टी के जो तीन पत्तों के टाइप्स होते हैं, बर्ड, मदर, बेबी, किसे वाइट बनता है, किसे ग्रीन बनता है, तो पत्ते वाला ग्रीन टी, फिर पाउडर वाला, सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड यहाँ पे यूकेलिप्टस ऑयल भी बनती है। तो यहाँ से हमने ना बहुत शॉपिंग कर लिया। तो चलो अभी चलेंगे, कहाँ चलेंगे? अपने होटल के तरफ। करीब 48-49 मिनट्स का रास्ता है, फटाक से कवर करेंगे। ऑलरेडी 2:30 हो रहा है और हमने लंच नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे टीज टेस्ट कर लिए।
ना उनके रेस्टोरेंट में आ गए कुछ चेरी बेरी करके, यहाँ से खाते हुए निकलते हैं, क्या बोलती हो? चलो चलो, यहाँ से 47 मिनट की जर्नी, उसके बाद करेंगे। क्या नज़ारे है ना, और हवा मस्त चल रही है, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। हमारा फिर से शू चेंजिंग सेशन हो चुका है, मैं भी आ चुका हूँ अपने नॉर्मल शूज में। ये मस्त सा ग्रीक सलाद आ गया है, तो आ गया अपना पिज्जा और यहाँ चल रहा है फोटोग्राफी इंस्टा के लिए। स्वयं हम लोग यहाँ रह सकते हैं क्या? नहीं, हमने बहुत अच्छा सा लग्जरी प्रॉपर्टी बुक किया है ऊटी में, तो जो वेस्ट हो जाएगा। बट सच में ट्रूली मैं बहुत मिस करूंगी ये जगह को। हम लोग अभी लंच करके निकले हैं चेरी बेरी से। चेरी बेरी तो वो हाईलैंड का पार्ट नहीं है, हाईफील्ड का पार्ट नहीं है, बट उन्होंने शायद लिया है, और उनका 100 acre का फ्रेश वेजीज है, तो वहाँ का हमने सलाद खाया है। बहुत एक्सोटिक एक्चुअली, बहुत टेस्टी था, वेजीज में ही टेस्ट अलग था। और ये हमारे सामने आप रोड देख सकते हैं, अभी भी हम लोग मेन रोड में चढ़ना है, और वो एक रोड है 8 मिनट स्लोअर, ऑब्वियसली 8 मिनट में तो बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक पहुंचेंगे 4:30 ना, चलिए चलते हैं फटाक से। अच्छा है रे, बहुत ग्रीन है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कुन्नूर इतना ब्यूटीफुल होगा। अब जाके देखते हैं ऊटी कैसा है। यहाँ से 19 किलोमीटर है अभी ऊटी, हमने ना सैम्स पार्क स्किप कर दिया, आपको देखना है तो आप देख सकते हो, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी शॉर्ट ऑन टाइम है, आधा दिन तो निकाल ही चुके हैं कन्नूर में, तो हम सीधा चलेंगे। ये हाईवे तो ठीक है, मतलब इसमें कोई ड्राइविंग का इशू नहीं है, एंड वाइड भी है रोड्स, बस हाँ थोड़ा सा घाट्स में आपको देख के चलना पड़ेगा, बट बहुत प्यारे नज़ारे हैं यार, और टेम्परेचर भी इतना कूलिंग है ना। अब 20 डिग्री है, मतलब एकदम सूदिंग है। गाड़ी में ज्यादा गर्मी लग रहा है मुझे, कार में। खिड़की खोल देने से तुमको आराम से ये लगेगी। ये क्या है, स्कूल है क्या? मोंटेरास मॉन्टफोर्ट स्कूल, सेंट एंथनीज। क्या मस्त जगह पे पढ़ते हैं यार, इधर देखो वैली कितना मस्त लग रहा है। वेलिंगटन कैंटोनमेंट बोर्ड वेलकम्स यू। बहुत नैरो रोड है ये, वहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। गोल्फ कोर्स है क्या? वाओ, हाँ जिमखाना क्लब है वहाँ पे, वेलिंगटन जिमखाना क्लब, डिफेंस का ही लग रहा है। और यहाँ पे देखो मस्त गोल्फ कोर्स भी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री लग रहा है। इंडियन आर्मी, अब स्टिलर प्रोफेशनल, रेपुटेशन बिल्ट ऑन डेली सैक्रिफाइसेस। बोर्ड देखता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। आई थिंक हमें शूट नहीं करना चाहिए वहां सर। नहीं, यहां पे तो ठीक है, ये तो रोड्स ही है। कैंटोनमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या नो हॉर्न्स। आज जो हम लोग लैम्ब व्यू पॉइंट पे गए थे ना, लैम्ब रॉक में, तो वहाँ से हम लोगों को है ना लॉ फॉल्स दिख रहा था, वहीं पे विपिन रावत जी का चॉपर क्रैश हुआ था। क्रैश हुआ था लॉ फॉल्स के एकदम ऊपर में। हाँ, एक्चुअली वो माउंटेन रेंज ही ऐसा था ना। अरे वाह, देखो मस्त लग रहा है ना। सीजन में पहाड़ों में आओ और ट्रैफिक नहीं, वो कैसे हो सकता है? लोग हिमाचल के पहाड़ों में ट्रैफिक में फंसे हैं, हम हैं तमिलनाडु के नीलगिरीज में। और आपको पता होगा
नीलगिरीज इज 1000 feet हायर देन मनाली. हम लोग मनाली से भी ऊपर चढ़ रहे हैं एक्चुअली, 8 किलोमीटर और है. मनाली जो है ना करीब 6400 feet में है और नीलगिरी में जो ऊटी है वो करीब 7400 feet में है. बट यहाँ फिर भी बर्फबारी नहीं होती है. क्यों नहीं होती आप मुझे कमेंट में बताओ. हिल्स, अच्छे अच्छे होटल्स दिख रहे हैं. ये बाइक अपने घर के सामने भी है, सूरज बाइक प्लाजा. तो हम पहुंच चुके हैं ऊटी और अपना होटल यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है. बहुत सही जगह है और हमारे साथ रश भी बहुत है. और ये देखो ऊटी का बोर्ड. तो आगे नो एंट्री है. हमबुर्ग टुवर्ड्स लेफ्ट जो कि बोट हाउस वगैरह भी है इसी रास्ते में. एलिंस रोड पे. क्या रोड है ये? 18th रोड, 18th. दुर्गा रेस्टोरेंट वेज. अब मेरे को आंख में पूरा धूप लग रहा है. मैंने गॉगल से स्पेक्स में चेंज किया, कुछ दिख ही नहीं रहा. अब एक मिनट के लिए क्या है तो कि मैं वाइजर ऑन कर देता हूँ, सन वाइजर. बहुत दो बार आता. कहाँ बना है भाई अपना होटल? लेफ्ट है अपना. ऊपर है क्या रोज गार्डन? किधर है रोज गार्डन? ये है ना, ये तो गवर्नमेंट रोज गार्डन है बट इधर ही होटल है, बता रहे क्या? ये देखो फॉर्चून रिसोर्ट सुलिवन कोर्ट. तो रिया वो है ना मैंने फोटो में जो देखा था वो अपना होटल होगा. हाँ भैया भैया, बहुत नैरो रोड है यार ये तो. जाओ भाई. और उसमें लोगों ने पार्किंग भी कर रखा है ना. प्रॉब्लम है पार्किंग्स का. होटल का है भाई. एंट्रेंस का है वही था क्या? यही है सुलिवन कोर्ट है क्या अपना रिसोर्ट का नाम? फॉर्चून रिसोर्ट. पहुंच गए 426 में. बोल दे भाई. तो भैया ने सिक्योरिटी चेक कर लिया अपना, देखी खोल के देखे बहुत सारे लगेज है. स्ट्रेट राइट. ओके थैंक यू. सो बेंगलोर की गाड़ी है. चलो पहुंच गए सुलिवन कोर्ट. अच्छा नाम दिया है रे. अच्छा मुझे लगता है टेकन ओवर होटल है क्या आईटीसी का? लग रहा है, हो सकता है. चलो देखते हैं. ओल्ड प्रॉपर्टी है ना. तो उनका वैले नहीं है, गाड़ी इधर ही लगा दिया है. एंड यहाँ पे स्वयं फॉर्मेलिटीज चेक इन. चेक इन प्रोसेस चालू है अभी. सेकंड फ्लोर सर. हाउ इज इट टेस्टिंग? गरम है ना? इट्स नाइस. ये लॉबी एरिया है और हमने ऑलरेडी कमरा नंबर 318 में चेक इन कर लिया. अंदर बताते हैं. तो रूम पे एंटर कर गए. ये साइड में अपना वॉशरूम है. तो ऑन द राइट हैंड साइड टॉवल्स लिक्विड सोप के साथ यहाँ टिश्यूज है, नीले नीले ग्लास के साथ इसे फर्स्ट एड डेंटल शावर कैप सैनिटरी बैग सोप और शैम्पू सब कुछ है. हेयर ड्रायर, ये कॉन्वेक्स मिरर भी मिल जाता है. और दिस साइड इज द बाथिंग एरिया. और यहाँ पे अगर आपको बाथरूम करते करते फोन में बात करना है तो वो सुविधा भी दी गई है. ऑन द राइट यहाँ पे सामान रखने का है. यहाँ पे हमारा बैग्स तो इतने पड़े हुए हैं क्योंकि 2 दिन का स्टे है ना, हमने बैग सब लेके आए. यहाँ पे एक रूम हीटर है क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर है. टी एंड कॉफी एरिया. यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज है जो हम मंगा सकते हैं. मूविंग राइट, ये तो रेस्टोरेंट का मेनू है. स्पा, दिस इज चार्जेबल बकार्डी वाइट वोडका एंड एंटीक्विटी सब कुछ है. यहाँ पे आप पॉज करके चार्जेस देख लो अगर आपको इंटरेस्ट है तो. वैसे सब कुछ छोटा छोटा बॉटल्स दिया हुआ है. लैम्प शेड एंड यहाँ पे रिया ने ऑलरेडी जैकेट डाल दिया है. देयर इज अ कूल कोजी सीटिंग एरिया. बट इससे भी पहले है ना हम देखते हैं खिड़की के बाहर क्या है. दिस इज अ माउंट व्यू रूम. ये बीच में ये चीज मजा नहीं आ रहा है बट दैट इज द माउंटेन. और नीचे उन्होंने अपनी सुलिवन कोर्ट की ब्रांडिंग की हुई है. तो दिस इज
द छोटा सा बड़ा सा चारपाई, और ये साइड पे है कबर्ड, लैम्प शेड, मिरर अंदर है ना, उन्होंने अच्छे से ये आयरन बोर्ड वगैरह दिया हुआ है। सारा दिन घूम के ना अच्छा खासा टायर्ड हो चुके हैं, अब आता है वीडियो को एंड करने की बारी। बट उससे पहले होटल का कॉस्ट तो बताना है ना, तो खर्चा पानी वाइज इन्होंने कुछ 2 नाइट का 27,700 मान लो, उसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड है और कोई एक मील। मोस्टली हम डिनर ही लेंगे बिकॉज लंच तो शायद आज भी बाहर ही किया, कल भी बाहर ही करेंगे। अब इस रूम को बिना डिनर या लंच के बुक करना चाहते हो ओनली विद ब्रेकफास्ट, तो 1800 पर नाइट का कम हो जाएगा, तो आप उससे और 3,500 कम कर लो फ्रॉम 27,700। दैट्स इट, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। ये सीरीज में अब तक मजा आ रहा है ना, तो डू सब्सक्राइब टू ट्रैवल एडिक्शन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर लाइव स्टोरीज। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, देखते हैं हम लोग ऊटी में क्या क्या करते हैं। कुन्नूर तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय।